हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मेगा रिसर्च एकेडमी। टुडे आई विल बी डिस्कस अबाउट जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी। आज हम लेके आए हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था, लेकिन हमने इस टॉपिक को स्किप कर दिया था। तो आज हम लेके आए हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी। इस लेक्चर में हम जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में ये पूरा तो हो नहीं पाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में जितना भी है उतना हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको थोड़ी इंट्रो दे देता हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियो में कितना चीज कवर कर चुका है। मैंने प्रीवियस वीडियो में जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी ही हेडिंग डाली थी, तो उसे स्किप कर दिया था। मैंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट वहां से डिस्कस किया था पूरा। और पूरा ये जो हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी है, एफ ई फ्रेंच के द्वारा 1935 में दिया गया था, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, उन्हीं की बुक में वो फर्स्ट क्लासिफिकेशन तक हमने पूरा डिस्कस कर चुका है। जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उन्हें आप प्लीज स्किप, विदाउट स्किप किए हुए पूरा वीडियो देख लीजिएगा, तब आपको पूरा सफिशियंट नोट्स मिलेंगे। अगर कहीं भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम उसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी जो टर्म है, एल्गी का जो टर्म है सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने यूज किया था। जो एल्गी का टर्म है हमारा, सबसे पहले कार्ल लिनियस नामक साइंटिस्ट ने एल्गी का टर्म दिया था, ठीक है। जो एल्गी का टर्म है सबसे पहले कार्ल लिनियस नामक साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। फादर ऑफ फाइकोलॉजी जो कि इंडियन नहीं है, फॉरेन है, एफ ई फ्रेंच, जिन्होंने फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी दिया था, ठीक है। फादर ऑफ फाइकोलॉजी फॉरेन, जो एफ ई फ्रेंच है, 1935 में इन्होंने एल्गी का फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया था अपनी ही बुक द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी में, ठीक है। इंडियन फादर जो है हमारे, इंडियन फादर ऑफ फाइकोलॉजी जो है MOP Iyengar, ठीक है। MOP Iyengar जो हमारे फर्स्ट एल्गी के इंडियन फादर ऑफ फाइकोलॉजी है। तो हमारे ये कुछ की पॉइंट्स हैं, और हम जनरल कैरेक्टर के बारे में कुछ आपको ऐसे ही डिस्कस करके बता देते हैं कि एल्गी को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एल्गी ही है, ठीक है। एल्गी एक थैलाइड प्लांट बॉडी है, जिसमें ना तो रूट डिफाइन कर सकते हैं, ना स्टेम, ना ही लीफ। एल्गी में हम रूट, लीफ, स्टेम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। एल्गी एक ऐसा प्लांट बॉडी है जो कि थैलस की तरह होता है, ठीक है। वो सरफेस पे फैला हुआ रहता है और उसमें लीफ, रूट, स्टेम डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, ठीक है। तो एल्गी जो होती है थैलाइड प्लांट बॉडी होती है, उसमें रूट, लीफ, स्टेम डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर सकते हैं, और इसमें स्पोर्स एब्सेंट होते हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेक्सुअल ऑर्गन में जैकेट एब्सेंट होते हैं, ठीक है, जो सेक्स ऑर्गन की प्रोटेक्शन करते हैं, यहाँ पे जैकेट एब्सेंट होते हैं। और इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तीन तरीके से होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में पूरा कवर किया था। फिलहाल मैं इस वीडियो में भी उसे डिस्कस कर दूंगा। और फिर जो एल्गी है हमारा, ये कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर में, और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाया जाता है। तो मैंने आपको जब ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट बताया था, तो वहां पे मैंने तीनों ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट पे एल्गी को तीनों तरीके से डिफाइन किया था, एक्वेटिक, मैराइन एंड टेरेस्ट्रियल, ठीक है। तो वहां पे पूरा मैंने इसे लॉन्ग में डिटेल में डिस्कस किया था, तो उस प्रीवियस लेक्चर को आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये एल्गी के हमारे कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए देखते हैं, जो जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी है, इसमें जो मैंने अभी की पॉइंट्स बताए उसमें क्या क्या है, जैसे टर्म एल्गी वाज गिवन बाय लिनियस, जो कि मैंने बताया कार्ल लिनियस। अब जो स्टडी ऑफ एल्गी आर नोन एज एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी, जो जिसके अंतर्गत हम एल्गी का स्टडी करते हैं उसे एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जो फादर ऑफ फाइकोलॉजी है फॉरेन, एफ ई फ्रेंच है, और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी MOP Iyengar है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं। अब हम देखते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी, ठीक है। देखिए, जैसे मैंने बताया प्लांट बॉडी इज थैलाइड, प्लांट बॉडी इसकी थैलस की तरह होती है, इसमें रूट, लीफ, स्टेम डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर सकते, ठीक है।
एल्गी का मतलब सेवाल, काई, जो कि हम अपने घरों में देखते हैं, उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं एल्गी का हिंदी मीनिंग ही नहीं समझ पाते कि एल्गी क्या है। तो एल्गी का मतलब सेवाल होता है, जो कि काई, गांव की भाषा में काई कहते हैं उसे। वो हमारे छतों और भी जहाँ नमी युक्त स्थान पे हम उसे देख सकते हैं। तो एल्गी थैलॉइड प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी इसकी थैलॉइड होती है। प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट लीफ सिस्टम, जो कि मैंने बता दिया कि ये रूट लीफ सिस्टम में डिफरेंशिएट नहीं होते हैं। इट्स प्लांट बॉडी कंपोज्ड ऑफ ट्रू पैरेन्काइमेटस टिश्यू, जो इसका प्लांट बॉडी है, एल्गी का जो प्लांट बॉडी है ट्रू पैरेन्काइमेटस टिश्यू का मिलके बना होता है। ठीक है, एल्गी का जो टिश्यू भी कई तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा टिश्यू पाया जाता है, यहाँ पे पैरेन्काइमेटस टिश्यू से मिलके बना होता है इसका थायलॉइड प्लांट बॉडी। ठीक है, जो एल्गी होता है हमारा पैरेन्काइमेटस टिश्यू से मिलके बना होता है। ठीक है, जो एल्गी है उसका बॉडी पैरेन्काइमेटस टिश्यू से मिलके बना होता है। इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर, जैसे फ्रेश वाटर में यहाँ पे मैंने स्पायरो वगैरह लिखा है, लेकिन मैंने जब ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट के आधार पे एल्गी को तीन भागों में डिफाइन किया था, एक्वाटिक, मैराइन एंड एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल एंड अनयूजुअल हैबिटेट। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने फ्रेश वाटर में भी बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे, यहाँ पे मैंने एक ही एग्जाम्पल बताया था। वहाँ से भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैराइन का भी एक ही लिखा है। जैसे इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में जो एल्गी पाए जाते हैं उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे स्पायरो वगैरह लिखा है, लेकिन यूरोथिक्स, कैरा, ऑडोगोनियम, हाइड्रोडिक्टियन, ये सब भी हमारे फ्रेश वाटर रेड एल्गी, फ्रेश वाटर एल्गी है। ठीक है, मैराइन वाटर में जैसे पॉलीसाइफोन है, पॉलीसाइफोन जो है हमारा रेड एल्गी है। मैंने यहाँ पे ये भी बताया था, जो कि बट्रेकोस्पर्मम है, प्रीवियस लेक्चर में, कि बट्रेकोस्पर्मम जो है हमारा रेड एल्गी, फ्रेश वाटर रेड एल्गी है, वो मैराइन में नहीं पाया जाता। वो भी रेड एल्गी है, लेकिन वो मैराइन में नहीं पाया जाता। केवल पॉलीसाइफोनिया एक ऐसी रेड एल्गी है जो कि मैराइन वाटर में पाया जाता है। एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मैंने डिस्कस किया था, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में दो तरीके से डिफाइन किया। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दो भाग में डिवाइड था, सेप्रोफाइटस एंड क्रिप्टोफाइटस। ठीक है, सेप्रोफाइटस जो सॉइल सरफेस के ऊपर पाए जाते थे जो एल्गी, उन्हें हम सेप्रोफाइटस कहते थे। जो सॉइल सरफेस के नीचे पाए जाते थे उन्हें हम क्रिप्टोफाइटस कहते थे। तो टेरेस्ट्रियल को दो भागों में डिवाइड किया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में, आप देख लीजिएगा, वहां पे सेप्रोफाइटस एंड क्रिप्टोफाइटस आया था। सेप्रोफाइटस का मतलब विच एल्गी फाउंड ऑन द सॉइल सरफेस, जो एल्गी सॉइल सरफेस के ऊपर पाई जाती है उसे हम सेप्रोफाइटस कहते हैं, और जो एल्गी सॉइल सरफेस के नीचे पाई जाती है उसे हम क्रिप्टोफाइटस कहते हैं। तो जो हमारा सेप्रोफाइटस है, सेप्रोफाइटस में मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था, जैसे आप सोच सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल में कौन से एल्गी का एग्जाम्पल हम रखें, तो सेप्रोफाइटस और क्रिप्टोफाइटस के एग्जाम्पल यहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं टेरेस्ट्रियल में। तो टेरेस्ट्रियल में क्या बताएंगे आप, जैसे सेप्रोफाइटस में मैंने एग्जाम्पल बताया था वाउचेरिया, वाउचेरिया जो है सॉइल सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, सॉइल सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं, उन्हें हम सेप्रोफाइटस एल्गी कहते हैं, जो कि टेरेस्ट्रियल का ही पार्ट है। क्रिप्टोफाइटस, क्रिप्टोफाइटस जो सॉइल सरफेस के नीचे पाए जाते हैं जो एल्गी, उन्हें हम क्रिप्टोफाइटस कहते हैं। यहाँ पे मैंने नॉस्टॉक एंड एनाबीना का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, जो कि विच इज फाउंड इन फैटी पिल्स, जो कि धान के खेत में पाए जाते हैं। तो हमारा ये जो आप सोचेंगे कि टेरेस्ट्रियल का एग्जाम्पल क्या है, मैंने यहाँ पे फ्रेश वाटर लिख दिया था और मैराइन का भी लिख दिया, आपको टेरेस्ट्रियल का एग्जाम्पल नहीं पता होगा, तो टेरेस्ट्रियल का एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे दो पार्ट में टेरेस्ट्रियल डिवाइड हुआ था, सेप्रोफाइटस एंड क्रिप्टोफाइटस में, तो सेप्रोफाइटस का एग्जाम्पल वाउचेरिया आप दे सकते हैं, और एक क्रिप्टोफाइटस का एग्जाम्पल देख सकते हैं नॉस्टॉक एंड एनाबीना, जो कि हमारे धान के खेत में पाया जाता है। तो ये हो गया टेरेस्ट्रियल का भी एग्जाम्पल, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे कि टेरेस्ट्रियल का एग्जाम्पल हम क्या देंगे। जैसे कभी भी वाइवा में पूछ लिया जाता है कि प्लीज गिव मी नेम ऑफ टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल एल्गी, आप मुझे टेरेस्ट्रियल एल्गी के एग्जाम्पल बताइए। तो टेरेस्ट्रियल एल्गी में, टेरेस्ट्रियल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको मैंने बताया है, सेप्रोफाइटस एंड क्रिप्टोफाइटस। सेप्रोफाइटस में वाउचेरिया आता है और क्रिप्टोफाइटस में नॉस्टॉक एंड एनेमिना आता है। तो वो एग्जाम्पल आप यहाँ पे इंक्लूड कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, इन एल्गी स्पोर्स एंड स्टोमेटा आर अब्सेंट, ठीक है, जो कि मैंने बताया स्पोर्स अब्सेंट होते हैं। यहाँ पे इन एल्गी
इन एल्गी, एल्गी में स्पोर्स भी एब्सेंट होते हैं, स्टोमेटा भी एब्सेंट होता है। एल्गी में स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी एल्गी नहीं है, वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है। यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, एल्गी में स्पोर्स स्टोमेटा आर एब्सेंट। ठीक है, एल्गी, इन एल्गी स्पोर्स एंड स्टोमेटा आर एब्सेंट। इन दोनों में एल्गी, जितनी भी एल्गी है उनमें स्पोर्स एब्सेंट होता है और हमारा जो क्या कहते हैं स्टोमेटा ये भी एब्सेंट होता है, क्योंकि जो हमारा एल्गी है वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी नहीं है, वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है। वहां पे, यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे हमारे जिम्नोस्पर्म के प्लांट हो गए, टेरिडो में है, ये सब हमारे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, लेकिन जिन एल्गी है, ब्रायो है, ये हमारे गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, एल्गी जो है हमारा गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, जहाँ पे स्पोर्स एंड स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ गैमेट के थ्रू अपने प्लांट के न्यू फॉर्मेशन की जाती है। ठीक है, इन एल्गी ब्रांचिंग इज इरेगुलर। देखिए, एल्गी में ब्रांचिंग होती है, कभी कभी आप ध्यान से देखिएगा जहाँ पे एल्गी ग्रो करती है, कुछ एल्गी बड़ी हो जाती है, जो कि जैसे ग्रीन कलर की थैलस की तरह होती हैं, गमले उमले में देखिए कभी कभी बड़ी हो जाती हैं, तो उन्हें ध्यान से देखेंगे उसमें छोटे 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 ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, वही उसकी ब्रांचिंग है, लेकिन वो इरेगुलर होती है, वो रेगुलर नहीं होते, उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि उसकी ब्रांचिंग कैसी है, डाइकोटोमस है कि मोनोकोटोमस, ऐसा कुछ भी हम डिफाइन नहीं कर सकते उसमें, वहाँ पे इरेगुलर ब्रांचिंग होती है, वहाँ पे हम ये डिफाइन नहीं कर सकते ब्रांचिंग किस टाइप की है। ठीक है, जो एल्गी में ब्रांचिंग होती है वो इरेगुलर होती है, वो रेगुलर नहीं होती है। जैसे कि हमारा ब्रायोफाइट में मार्गेंसिया है, इसमें डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन ब्रांचिंग इरेगुलर होती है, एल्गी में ब्रांचिंग इरेगुलर होती है, उसमें ब्रांचिंग हम नहीं डिफाइन कर सकते कि किस फॉर्म में है। ठीक है, ये हमारा एल्गी हो गया। रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। देखिए, रिप्रोडक्शन यहाँ पे तीन तरीके से होगा, वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में पूरा डिफाइन किया था, रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, कि वेजिटेटिव को हम कैसे पहचानेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। यहाँ पे मैं फिर से आपको इंट्रो दे दूँ कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब कि बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय बडिंग, बाय फ्यूजन, इनके थ्रू जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाय जूस्पोर, बाय एप्लेनोस्पोर, बाय पाल्मेला स्टेज, ये जितने भी प्रोसेस हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। और सेक्सुअल यहाँ पे तीन तरीके से होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस। तो हमारा ये जो रिप्रोडक्शन है यहाँ पे तीन तरीके से होता है, और तीनों में भी कई पार्ट है, वो एक ही तरीके से नहीं होते हैं। वेजिटेटिव में भी कई पार्ट है, सेक्सुअल में भी है, जिसे हम पूरा डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और सेक्सुअल में तो मैंने बता ही दिया है तीन तरीके से होता है, यहाँ पे नीचे मैंने लिखा भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेक प्लेस बाय आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस। ठीक है, आइसोगैमस का मतलब, आइसो का मतलब सिमिलर होता है, गैमस का मतलब गैमेट। ठीक है, जहाँ पे सिमिलर गैमेट्स हो और मोटाइल हो, जैसे मेल एंड फीमेल गैमेट हो वो मोटाइल हो और सिमिलर हो, मतलब उनके साइज जो है वो डिफरेंट ना हो एक दूसरे से, वो समान साइज को हो, उसे हम आइसोगैमस कहेंगे। एंड आइसोगैमस का मतलब देखिए, साइज में सिमिलर होंगे लेकिन एक मोटाइल होगा, एक नॉन मोटाइल होगा, जो हमारा मेल होगा वो मोटाइल होगा, फीमेल नॉन मोटाइल होता है एनाइसोगैमस में। और ओगैमस में हमारा क्या होता है, ओगैमस में एक बड़ा होता है, उनके साइज में डिफरेंस होता है, जैसे मेल गैमेट जो होता है छोटा होता है, फीमेल गैमेट बड़ा होता है, तो ये हमारा ओगैमस हो गया। तो ये हमारे इस लेक्चर में इतना ही, मैंने इतना डिस्कस कर दिया जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका और भी है, ये तो थोड़ा सा ही हो पाया है, ये इतना सफिशियंट नहीं है एल्गी के जनरल कैरेक्टर के लिए। अभी हम और भी इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको समझ में आई हो पूरी, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।